तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया था और जैसी कि जैसा कि जैसा आपने थंबनेल में देखा ना अरे कहना क्या चाहते हो ना बिल्कुल वही है बिल्कुल इसमें मैं कुछ गड़बड़ नहीं करने वाली हूँ इसमें प्याज नहीं है और जैसी कि जैसे सब्जी दिख रही थी ना बिल्कुल वैसे की वैसी बनने वाली भी है तो वीडियो को एंड तक देखना चैनल पर सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो शेयर कर दो और बैल के उनको प्रेस कर दो ताकि मेरी वीडियो पे आप बने रहोगे इस वजह से क्योंकि वो वीडियो आप मतलब नोटिफिकेशन आते रहेंगे ना यू तो बने रहोगे तो सिंपली आपको है ना मैंने दो टमाटर को ऐसे पीस लिया था एक्चुअली में क्या हुआ था ना मेरी बहुत ज़ोर से क्रेविंग हो रही थी कुछ ऐसी झट से खाने की तो यार प्याज घर में थे नहीं नहीं <laughs> और सोयाबीन पड़े थे बाकी सब्जियों से मेरे को कोई लेना देना ही नहीं था <laughs> एक, एक, तो तो एक सोयाबीन है यार जो से बन जाते हैं तो मैंने इसलिए वही चुने और फिर मैंने टमाटर को ब्लेंड कर लिया और फिर इसका तड़का लगाया जीरा में और जीरे में इसको डाल दिया और फिर थोड़ा सा पानी मिक्सर में घुमा डाला और फिर इसमें डाल दिया नमक हल्दी पाउडर लाल मिर्ची पाउडर उडर yeah, यहाँ पे कि बहुत कॉमन सी मतलब ये ना बहुत कॉमन सी इनग्रीडियंट बन के रेडी हो जाती है यहाँ पे मसाले भी डालते हैं कोई मसाले है ना सब्जी मसाला सब की चीज है ये डालने की जरूरत ही नहीं है मजा आया ये, ये जो मसाले लगने में आपके पड़े होते है ना बस वही है तो ये वाली जो ग्रेवी ना ये अच्छे से भूनना है इसके बाद इसमें आपको डालना है थोड़ा सा ना दही होती है ना दही है या छाछ है वो डाल सकते हैं और फिर इसमें ना थोड़ी सी दूध की क्रीम डाल देना ना फ्रेश क्रीम होती है ना मतलब दूध की मलाई वो डाल देना इसको मिलाओ और ये देखो यार ग्रेवी कितनी मस्त लग रही है ना फिर इसमें ये सोयाबीन है ना ये बिल्कुल बॉयल नहीं है ये कच्चे ही हैं और ये पता है मैंने क्यों करा क्योंकि मेरे को इतनी जल्दी भी नहीं थी यार कि बस मेरे को अभी चाहिए ही चाहिए <laughs> हाँ वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना सोयाबीन ऐसे ग्रेवी टमाटर वाली होती है ना तो उसमें पकना बहुत मुश्किल होते हैं मतलब अच्छे से पक नहीं पाते उनको बहुत टाइम चाहिए होता है पर ऐसे बनाओगे ना तो क्या होगा जो मतलब सोयाबीन को धो के यूज़ करना पहली बात तो ऐसे बनाओगे तो सोयाबीन में जो मतलब अंदर तक जाएगा ना वो सिंपल पानी नहीं होगा वो ग्रेवी वाला पानी एकदम खट्टा मीठा वाला पानी होगा खट्टा मीठा नहीं यार खट्टा खट्टा पानी होगा बढ़िया वाला मतलब जो ग्रेवी होती है ना वो सोयाबीन के अंदर एब्जॉर्व कर लेगा सोयाबीन तो इसलिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है फिर इसमें एंड में मैंने डाल दिया ना थोड़ा सा गर्म मसाला और कसूरी मेथी फिर थोड़ा सा ढक दिया और फिर इसको पका लिया और सोयाबीन भी बन के रेडी है मतलब सोयाबीन गए अच्छे से बॉईल मटी डालती है और अब इन्जॉय करो लग रही है ना बिल्कुल थमने जैसी